तारीख थी 13 फरवरी 2024 जब पीएम मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट करते हुए देश को बताया था कि 75,000 करोड़ के खर्च के साथ केंद्र सरकार 1 करोड़ घरों को फ्री बिजली का लाभ देगी। इसके लिए फ्री बिजली की तय सीमा 300 यूनिट की गई थी। जिस योजना के तहत सरकार ने इसके फायदे गिनाए थे, अब पीएम मोदी ने उसको लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने एक रैली में जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि अभी तक पीएम सूर्य घर स्कीम के तहत 1 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। आइए जानते हैं कि जो लोग इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वो किन प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर सिस्टम के कौन कौन से फायदे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। पीएम सूर्य घर योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक स्कीम है जिसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है, जिससे मुफ्त बिजली की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अगर आप इस योजना के तहत अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाते हैं तो सरकार लाभार्थियों को अलग अलग कैटेगरी में 78,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। इसका मकसद ये है कि लोग सोलर पैनल की स्थापना कर सकें और अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकें। इससे आम जनता को सालाना 18,000 रुपए की बचत होगी और सरकार के ग्रीन एनर्जी का सपना भी जल्द पूरा हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इस पैनल के लेने के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पोर्टल में जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आप अपना स्टेट चुनें, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सिलेक्ट करें जिसकी कंपनी आपके इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर डालें, अपना मोबाइल नंबर डालें और इसके साथ साथ अपना ईमेल भी डालें। पोर्टल में दिए गए डायरेक्शन का पॉज़ करें। कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर के साथ आपको इसमें लॉगिन करना है। फॉर्म के अनुसार रूफटॉप सोलर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और डिस्कॉम से फिजिबिलिटी अप्रूवल का वेट करें। एक बार जब आपको फिजिबिलिटी अप्रूवल मिल जाएगा तो आप अपने डिस्कॉम से किसी भी रजिस्टर्ड वेंडर से प्लांट लगवाएं। एक बार ये पूरा इंस्टॉलेशन पूरा हो जाएगा तब प्लांट की डिटेल डिपॉजिट करें और नेट मीटर के लिए भी आवेदन कर दें। नेट मीटर की इंस्टॉलेशन और डिस्कॉम द्वारा इंस्पेक्शन के बाद वो पोर्टल की कमिश्निंग करेंगे और उसको सर्टिफिकेट तैयार करेंगे। एक बार जब आपको पूरी कमिश्निंग रिपोर्ट मिल जाएगी तो पोर्टल के माध्यम से बैंक अकाउंट की डिटेल्स और एक कैंसिल चेक आपको डिपॉजिट करना होगा। आपको 30 दिनों के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में आपकी सब्सिडी मिल जाएगी। तो ये था पूरा प्रोसेस इस सोलर पैनल के लिए अप्लाई करने का। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।